तो फ्रेंड्स, आज है माते जगदम्बे की फर्स्ट डे। तो मेरी ओर से सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और माता जगदम्बे को भोग लगाना है, नहा के मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, पूजा भी करना है। और चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि मैंने पूजा के लिए थाली किस तरीके से सजाया है। विशेष कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं हो पाता है। तो माता जगदम्बे से मैं यही कामना करूंगी कि मेरे YouTube फैमिली वालों को हमेशा ही अपनी ओर से असीम कृपा बनाए रखिएगा माते जगदम्बे। बस इसी के कामना के साथ आज मॉर्निंग में जग गई हूँ। तो चलिए फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। देख सकते हैं कि मैंने फूल पत्ती वगैरह सारा चीज़ को अरेंज किया हुआ है। बस अभी कुछ ही क्षण में मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद बाकी के काम को आगे कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आगे पूजा करूंगी, इसके लिए मैं जो भी श्रृंगार वगैरह जो भी करना होता है मुझे नीचे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे मंदिर ऐसी जगह पर है जहाँ पे मुझे बैठ के करने की सुविधा नहीं हो पाती। तो पहले तो मैं नीचे में ही सारा श्रृंगार सिंदूर चंदन जो भी लगाना है तो मैं नीचे ही सारा चीज़ को कर लूँगी। उसके बाद माता के चरणों में ये सब को जो है मैं रख दूँगी, और धूप बत्ती सारा चीज़ों को मैं कर लूँगी ऐसा ही। और ये देख सकते हैं मेरे पास जो है पीतल का लोटा नहीं है मेरे पास, इस वजह से मुझे स्टील वाले में ही निकालना पड़ा है काम। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि मेरी पूजा की जो लोटी है किसी ने चोरी कर ली है, और मैं उसको जानती भी हूँ, तो बार बार ये बात मैं रिपीट नहीं करूँगी। और मेरी जो पूजा है अब स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ इस तरीके से मैंने माता रानी की आज आरती भजन वगैरह जो भी है, माता का गीत गाया और पूजा वगैरह सारा चीज़ों को मैंने करके, और बिल्कुल से जैसे कि मॉर्निंग में मुझे एक हड़बड़ाहट सी हो रही थी, क्योंकि जब एकांत मन में कोई चीज़ करिए ना तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बट आज थोड़ा सा स्कूल भी जाना है, इसका मुझे दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं फटाफट से करूँ सारे कामों को, उसके बाद स्कूल चलूँ। तो फाइनली मेरा जो पूजा है यहाँ कम्प्लीट हो चुका है, और मैं शंख वगैरह बजा करके पूजा अपना सम्पन्न कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैं किचन में आ गई थी, नाश्ता लगा रही थी, और जस्ट नाश्ता करने के बाद ही मुझे जैसे कि निकलना है। तो आज के नाश्ते में मैंने आलू भुजिया और घी डाल के पराठा बनाई थी। और ये देखिए कि मैं हड़बड़ाहट में बिल्कुल से निकल गई हूँ, मैंने कुछ भी आप लोगों से बात भी नहीं की और बस डायरेक्टली से निकल गई थी। और समय जो है काफ़ी अब हो चुका था, करीबन 11 हाँ बजने वाले थे, और मैं निकल गई थी। और ये देखिए कि मैं स्कूल जो है बाबू को लेकर के पहुंच चुकी हूं, और आज है इसका पीटीएम, और कॉपी चेक वगैरह का सारे काम जो भी हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है सारी चीज़ों को कर लूँगी मैं फटाफट से। और ये देखिए मैं और मेरे बाबू जो है, मैं कॉपी चेक कर रही थी, और मेरा बाबू जो है पढ़ने में काफ़ी अच्छा ठीक है, बट लॉकडाउन के बाद जैसे कि फर्स्ट ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ये दिया हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको भी वो हो रहा था कि मम्मा कॉपी देख रही हो। तो बाबू का कॉपी चेक हो चुका है, और सिली सिली मिस्टेक्स हैं इसके स्पेलिंग वगैरह में, बाकी नंबर वाइज इसका देखा जाए तो बिल्कुल से सही है। क्या बेटू, आगे से मिस्टेक्स नहीं करोगे ठीक है? तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं घर आ गई, और मॉर्निंग में जल्दी जल्दी मैं सारे कामों को निपटाई, पूजा वगैरह जैसे मैंने कर लिया और नाश्ता भी कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी बाबू के स्कूल, और बाबू के स्कूल में आज था पीटीएम, कॉपी चेक करना था, इसके वजह से फटाफट से जाना पड़ा, और जाके मैं आ भी गई। और आके खाना बनाने का जो भी है, मैंने दाल चावल रख दिया है गैस पर बनने के लिए, और अभी बाबू को लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा माइंड अपसेट सा हो गया, डल हो गया, कारण कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की वजह से थोड़ा सा ये डल फील कर रहा है कि मैंने तो अच्छा लिखा था बट पता नहीं ऐसे क्यों हो गए। मम्मा घर आके तो जब मैं पूछती थी जब इसको पेपर्स के बारे में, तो ये अच्छे से बता रहा था, बट मैंने आज जब कॉपी देखा तो पता चला कि सिली मिस्टेक्स ये जो है किया हुआ है, और इसी वजह से थोड़ा सा नंबर इसको कम आए हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, जो भी नंबर है ये खुद से बताएगा आपको कि क्या नंबर है, बताइए बेटा। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 71, सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 86, मॉरल एजुकेशन में
50 आउट ऑफ 17 एंड हाफ, जीके में 50 आउट ऑफ 27, मैथ में 100 आउट ऑफ 77, हिंदी में 100 आउट ऑफ 77 एंड लास्ट वन साइंस में 100 आउट ऑफ 86। तो ये ओवरऑल मार्क्स इसका सही है, बस वही मिस्टेक्स जो हैं स्पेलिंग वगैरह में है। तो खैर कोई बात नहीं, आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी इसका थोड़ा सा, जिसमें इसको मिस्टेक्स ज़्यादातर हुए हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर दूँगी तो सही हो जाएगा। तो आगे से सही करोगे ना बेटा। फ्रेंड्स मेरी जो वीडियो है आज की मैं यहीं तक की रखूँगी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।